सर घोसी में उपचुनाव का परिणाम आया है, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जीता है, क्या कहते हैं इस अवसर पर? देखिए हर चीज़ तो कामयाबी और जीत खुद ही कहती है। ये लोग कह रहे थे कि ये इंडिया संगठन जो बन रहा है, इंडिया का जो अलायंस बन रहा है, इसका कोई वजूद नहीं है। ये हमारे कटे पिटे लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं हमको चैलेंज करने के लिए। एक्चुअली ये एक शुरुआत है, ये एक शुभ किरण है जो देखने को मिली, इतनी जल्दी देखने को मिली। और इसमें हम लोग देखिए ना किस तरह से जो अलायंस के उसके सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये हम सब ने मिल के जीती है। कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं ये तो मैंने जीती है, ये तो मेरा काम था, यहाँ तो मैं मजबूत हूँ। तो यही एक फिजा है, यही एक फीलिंग है जो हम चाह रहे थे कि अलायंस की तरफ से पूरे देश में जाए, और इसलिए इसको हम बहुत महत्वपूर्ण अपना एक अपनी जीत मानते हैं। सर अलायंस के ही लीडर हैं स्टालिन, वो सनातन धर्म को लेके जो टिप्पणी किए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अलायंस में बाकी लोगों से विचार नहीं मिल रहा उनका, उनकी जो टिप्पणी है सनातन को लेके कैसे लेते हैं आप उसको? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए उन्होंने जिस बात को कहा है और उसको जिस तरह से समझा है लोगों ने, उसमें थोड़ा सा संशोधन की आवश्यकता है। यही बात पेरियार जी ने कही थी, यही बात अम्बेडकर जी ने कही थी, वो ये था कि किसी भी व्यवस्था में सनातन धर्म ही क्यों ना हो, उसमें जो नई चीज़ें आ जाती हैं जो उसका हिस्सा नहीं है उसका विरोध करना, आप जो बुनियादी चीज़ है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म से जो और कई प्रथाएं जो जुड़ गई, हमारे सामाजिक प्रथाएं जुड़ गई जो सनातन धर्म का हिस्सा है नहीं, उसका विरोध इन लोगों ने पेरियार ने किया था और उसी बात को आज दोहराया गया है। लेकिन कोई ये समझे कि सनातन धर्म को ठुकराया जा रहा है या सनातन धर्म का अपमान हो रहा है तो वो उचित नहीं होगा। हम जानते हैं कि सनातन धर्म कितना उदार है, हम जानते हैं कि जो सच्चा सनातन धर्म है उसका ह्यूमैनिटी के लिए, उसका मानवता के लिए कितना बड़ा महत्व है, और इसलिए हमको अपने सनातन धर्म में अगर विश्वास है तो फिर हमें इन बातों को बहुत कोई ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसमें बहस बढ़ जाए, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि उसका कोई महत्व है। इंडिया गठबंधन जो चल रहा है उसमें तमाम राजनीतिक दल हैं, सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता अपने अपने आप को उसका नेता बनाने की होड़ में लग गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मैंने देखा है सारे नेता एक साथ बैठे हैं और हर एक ने एक ही बात कही है कि हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को हटाएंगे मिलकर। उसके बाद जो भी जनता की मंशा होगी उसको सामने रखकर हम अपना नेता तय करेंगे। आज कोई नेता नहीं है, सामूहिक नेतृत्व है। इस बात को सब नेताओं ने स्पष्ट किया, मैंने खुद अपने कान से सुना है, अपनी आंख से देखा। उत्तर प्रदेश में मायावती जी जो कि एक बड़ा वोट बैंक का सूत्रधार करती थी तो उनको अलायंस में नहीं सम्मिलित किया गया, अभी ऐसा हमने नहीं मना किया, लेकिन उनकी ओर से कोई इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई गई, बल्कि कभी कभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो कहा कि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर रुचि होती या हो और वो किसी से बात करेंगी तो कोई क्यों इनकार करेगा, कोई क्यों मना करेगा। G20 का महासंगम चल रहा है इंडिया में, कैसे लेते हैं आप, पहली बार भारत को नेतृत्व करने का अवसर मिला? भारत को नेतृत्व करने का अवसर फिर मिला है। G20 तो समय समय पर एक देश से दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश, इससे पहले इंडोनेशिया था, इसके बाद ब्राजील होगा, तो उसमें हमको एक आज के समय में हमको ये मौका मिला, इसका हम स्वागत करते हैं। हमको हमें इस बात का गर्व है, फख्र है इस बात का। लेकिन G20 में हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि क्या हम करना चाहते थे, इसकी समीक्षा तो फिर बाद में बैठ कर होगी जब G20 समाप्त हो जाएगा। अभी तो दुनिया भर के नेता आए हुए हैं, उनके सामने अपने
कमी को दोहराना या अपनी कमी को उजागर करना तो अच्छा नहीं होगा। जो भी निर्णय इन लोग आपस में लेते हैं, सिर्फ हमको दुख एक बात का है कि आज हमारी अध्यक्षता में G20 हुई और उसमें ना प्यूटिन ना आ पाए और ना ही नाशी आ पाए। उन दोनों का ना आना हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लेकिन इस पर भी समीक्षा ये G20 हो जाने की बात होगी। सर एक आखिरी सवाल है कि भारत और इंडिया को लेकर के बड़ा चल रहा है, राजनीतिक उथल पुथल भी चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं। कितना बदलेंगे आप, कितना बदलेंगे? ANI का क्या मतलब होता है? एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल है। अब बताइए, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल को अगर हम बदलना चाहें, इसका नाम कुछ और रखना चाहें, इसका नाम ग्लोबल रखना चाहें, तो बताइए ये एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल रहेगा कि नहीं रहेगा? आई लव माई इंडिया हम कहते आए हैं, और भारत माता की जय की बात, भारत माता की जय भी करते आए हैं, हम जय हिंद भी कहते आए हैं। तो ये सब तो कोई कानून बना के ये नहीं कह सकता कि आप जय हिंद नहीं कहेंगे सिर्फ भारत माता की जय कहेंगे, या आप सिर्फ इंडिया की बात करेंगे। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है, उससे आगे तो कुछ बढ़ के कहा नहीं जा सकता। दोनों ही अपने हैं। आप पक्ष में हैं इसके? हम इस पक्ष में हैं कि इंडिया इज भारत, हम इस पक्ष में हैं। भारत इज इंडिया बिकॉज इंडिया इज भारत, तो इसलिए हम पक्ष में हैं। ये तो जो जिसको ये समझ में नहीं आता वही इसकी लड़ाई लड़ेगा।